हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC अपर रिविजन क्लर्क 2019 रिक्रूटमेंट के बारे में, क्या लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही देखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश फाइनल रिजल्ट्स आर आउट, ठीक है। ऑफिशियली ये रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश सेलेक्टीज के लिए। एंड इफ यू विल आस्क दैट वेर आर द रिजल्ट्स अपलोडेड, तो यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट, दैट इज esic.nic.in। और इस पर ये स्क्रीनशॉट हमने लिया है। यहाँ पर जब आप रिक्रूटमेंट वाले टैब पर नहीं जाइए, शायद कोई गलती हो गई होगी, ये सर्कुलर वाले टैब पे ये रिजल्ट अपलोड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाके आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में भी हम फाइनल रिजल्ट आपको दिखा देंगे। ज्यादा कुछ बड़ा रिजल्ट तो है नहीं। और साथ ही साथ वी विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन हैव अ लुक ऑन योर रिजल्ट। तो सबसे पहले जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इसमें जैसे आकाश, विशाल, श्रेयांश, यशार्थ, वतासल टंडन, पूजा, रोहित, पुनीत, विजय, विनीत, हर्षिता, जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाइयां, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो ये तो हो गए 11 लोग। इसके बाद देखेंगे तो पिछले 12 ठीक है, शायद थक गए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो देर आर टोटल 74 नेम्स, ठीक है, सारी कैटेगरीज को मिला दें तो इन उत्तर प्रदेश फाइनल रिजल्ट्स यू विल सी दैट टोटल ऑफ 74 नेम्स आर देयर। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो में देख रहे हैं, तो काइंडली अपनी खुशी जो है हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात। साथ ही साथ आगे ये देखते हैं कि बाकी क्या क्या अपडेट हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए, दिल्ली एरिया के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि आरटी रिप्लाई के द्वारा ये पता चला है, द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। तो अब तो इलेक्शंस भी हो गए, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ गए, तो कल का जो दिन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो है वो है शुक्रवार, और उसके बाद सैटरडे संडे को ESIC वर्क नहीं करती जो हेडक्वार्टर है, तो कोई रिजल्ट जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो टुमारो वी मे सी, ठीक है, श्योर तो कहना मुश्किल है, लेकिन टुमारो वी मे सी दिल्ली एरिया रिजल्ट, ठीक है। तो ये तो रही दिल्ली एरिया के बारे में। और क्या अपडेट है, ये आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसर्स। अब ये रीजनल ऑफिस के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी तत्परता दिखाते हैं और कितनी जल्दी जो है वो रिजल्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। तो जो जिनका जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जैसे अब यूपी का आ गया है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो मेल है वो दो तरीके से आ सकता है। हो सकता है वो फिजिकल मेल भेजें, या आप अपना ईमेल भी चेक करते रहिएगा, ठीक है। समटाइम्स क्योंकि ऑलरेडी इस रिक्रूटमेंट में इतना डिले हो चुका है, तो दे मे सेंड यू ईमेल, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो गई। इसके बाद कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, इन सम रीजन्स आफ्टर DV, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है 4 रीजन्स में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, डेट इज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड उत्तराखंड, इन 4 रीजन्स के जो हैं वो मेल मिल गए हैं कैंडिडेट्स को। तो इसमें राजस्थान का शायद ओवर हो गया है, और ये जो पंजाब, उत्तराखंड और ये हिमाचल है, इनका 24-25 के करीब ओवर होगा। इसमें क्या हो रहा है कि इन सम रीजन्स आफ्टर DV द सेलेक्टीज को बता रहे हैं कि यू विल गेट अनदर मेल फॉर ज्वाइनिंग, जहां पर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी और वहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि राजस्थान। अब पंजाब रीजन से अभी जो इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि उन्हें जो है DV के बाद सीधा जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जा रहा है उनको प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे रिपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, एक एडवाइस ये रहेगी हमारी कि जितनी, जैसे मान लीजिए आपको 24 तक ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डेट इज बेटर, ठीक है, क्योंकि वो तुरंत पोस्टिंग दे रहे हैं, तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, ये हमारा सजेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, लेकिन ये RO to RO वेरी कर रहा है, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, कल दिल्ली का रिजल्ट आने की बहुत संभावना है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये जो 7 रीजन्स के बाद में रिजल्ट आए थे, उसमें से उत्तर प्रदेश का तो आज आ गया। अब 6 रीजन्स पे सबकी नजर है, तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि कल रिजल्ट जो है आ जाए, और खासकर कर्नाटक का बहुत चांसेस है कि कल आ जाए और बाकी सारे रीजन्स के भी आ जाए, तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं, तो वही जो इन्फॉर्मेशन है वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो रिजल्ट आ जाएगा और इस महीने तक तो जरूर आ जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, रिजल्ट जरूर है, वो जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और आप लोगों के लिए जो स्टेनोग्राफर के एस्पिरेंट्स हैं, वी हैव प्रॉमिस्ड दैट वी विल कम आउट विद अ वीडियो कंपेयरिंग स्टेनोग्राफर वर्सेस ESIC UDC, किसमें प्रमोशन क्या है, पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो वीडियो जरूर पाइपलाइन में है, इन्फॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक आपके तक पहुंचाने के लिए वी आर कमिटेड, जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो EPFO है ना, EPFO, उसका SSO का यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग हैज स्टार्टेड टुडे, तो उसमें आप हड़बड़ाइए मत, That documents can be uploaded till 29th, ठीक है, तो आज तो first day ही है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, और कल कोशिश करेंगे कि शाम को या थोड़ा सा late evening कह सकते हैं आप 10-11 बजे तक एक वीडियो ज़रूर लेके आए, और आपकी जो भी queries है community tab में या इस वीडियो के comment section में भी आप रख सकते हैं, अगर हम उसमें सक्षम हुए उस query का answer करने के लिए, तो surely we will answer your query। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपडेट थी, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, ठीक है, नए हैं आप चैनल पे तो अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मुलाकात होगी आपसे अगर कोई ESIC का अपडेट आता है उससे, या नहीं तो वो जो EPFO डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की रिकॉर्डिंग वीडियो है वो लेके आएंगे, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तो रखिए तब तक आप अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल, और दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।